गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीटली फिनिश करने के बाद डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर की शुरुआत से पहले उसका वेटेज हम लोग सीखते हैं, जानते हैं कि ये टॉपिक, ये चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जो कंटेंट सीखेंगे, मैंने जो कंटेंट प्रिपेयर किया है वो किन किन एग्जाम को ध्यान में रखकर किया है। सबसे पहले हमारा लक्ष्य है आप बच्चे का बेसिक्स स्ट्रांग हो जाए। ये दोनों चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, इसलिए क्वेश्चन भी इंटरमिक्स्ड आते हैं। सबसे पहला लक्ष्य मैं रखती हूं बोर्ड एग्जाम। अगर आप बच्चे का, मैं दोनों के कंबाइंड की बात कर रही हूं क्योंकि क्वेश्चन कंबाइंड आते हैं, अगर हम लोग बोर्ड एग्जाम की बात कर लें तो दो तरह का बोर्ड आप बच्चे, आप में से कुछ बच्चे स्टेट बोर्ड देने वाले होंगे। मैं वैसे स्टेट बोर्ड की बात करती हूं जो 100 मार्क्स का मैथ्स का एग्जाम लेती है, उसमें 13 मार्क्स वेटेज है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का। आप में से कुछ बच्चे सीबीएसई एस्पिरेंट होंगे जो 80 मार्क्स का अब पेपर लेती है मैथ्स का एग्जाम। 80 मार्क्स में 10 मार्क्स तो आएगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का। मैं पूरा लक्ष्य एनडीए को रखती हूं, यानी एनडीए हमारी पढ़ाई का टारगेट है। आप में से जिन बच्चों का लक्ष्य एनडीए है, जरूर वो 8 क्वेश्चन कवर अप कर लेंगे सिर्फ इन दो चैप्टर्स को पढ़ने के बाद, सिर्फ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट कंप्लीट करने के बाद 8 क्वेश्चन तो उनसे बन जाए। अगर आपका लक्ष्य आईआईटी जेई है तो मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन आपको मिलने जा रहा है। एक बात क्लियर कर देती हूं मैं, मैट्रिसेस से पूछे जाने की संभावना कम है रेदर देन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिव टू मैट्रिसेस। मैंने तो आपको मैट्रिसेस जेई मेंस का मुझे लगता है 2 क्लास में कवर अप कर दिया। वही जेई एडवांस मैट्रिसेस से ज्यादा पूछती है, डिटर्मिनेंट से कम पूछती है। लेकिन जेई मेंस की बात करें तो मैट्रिसेस से कम, डिटर्मिनेंट से ज्यादा पूछती है। तो मैट्रिसेस हम लोग कंप्लीटली फिनिश कर चुके हैं, बात कर रही हूं डिटर्मिनेंट की। मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट को एक्सप्लेन करने जा रही हूं आखिर होता क्या है डिटर्मिनेंट। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन से देखिएगा डिटर्मिनेंट क्या होता है। ये जो डिटर्मिनेंट है ना, उसे कुछ इस प्रकार से करते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, इसे पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कुछ बच्चे बाय मिस्टेक मॉडुलस ऑफ ए पढ़ते हैं, ये मॉडुलस ऑफ ए नहीं है, बट नॉट मॉडुलस ऑफ ए। ये मॉडुलस ऑफ ए बिल्कुल नहीं है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, मॉडुलस ऑफ ए नहीं है। अगर मॉडुलस होता तब तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देता, लेकिन यहां ये डिटर्मिनेंट पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू और 0 तीनों देता है। तो यहां इट गिव्स पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वैल्यू। डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात कर लूं तो ये मॉडुलस नहीं है, इट मींस
नेगेटिव वैल्यू भी देता है, पॉजिटिव वैल्यू भी देता है, साथ ही जीरो भी देता है। एक और बात बता दूं, डिटर्मिनेंट आखिर निकालते किसका है, मैट्रिसेस का। डिटर्मिनेंट इसीलिए मैंने कहा कि ये दोनों चैप्टर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालते हैं मैट्रिसेस का। ध्यान रहे, सारे मैट्रिसेस का आप डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हैं, ओनली ओनली स्क्वेयर मैट्रिसेस, सिर्फ ओनली स्क्वेयर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट। इसका मतलब सभी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है, उसी का डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं जो स्क्वेयर मैट्रिक्स है। इस पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन एनसीईआरटी दी है, हम करवाएंगे वो क्वेश्चन। उसमें जनरली बच्चे गलत कर देते हैं, इस लास्ट वाले थ्योरी को अच्छे से सीखिए। ओनली स्क्वेयर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट। अब एक बात बताती हूं आपको, एक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में छोटा छोटा डिफरेंस है। पहले हम लोग सीख लेते हैं कि लास्ट टाइम मैट्रिसेस फिनिश किए हैं, अब डिटर्मिनेंट पढ़ने जा रहे हैं। मैट्रिसेस से डिटर्मिनेंट स्विच करना है, अचानक से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे समझेंगे ये मैट्रिसेस है या डिटर्मिनेंट है। तो छोटे छोटे चार पांच डिफरेंस मैं सिखाने जा रही हूं, देखना है आपको। सबसे पहले चार पांच पॉइंट बताऊंगी मैं, ये है मैट्रिसेस और इस तरफ मैंने ले लिया डिटर्मिनेंट। दोनों में मैं चार पांच डिफरेंस बताने जा रही हूं। सबसे पहला डिफरेंस तो है सिंबल। मैट्रिसेस का सिंबल ऐसा है और डिटर्मिनेंट का सिंबल ऐसा होता है। सिंबल में अंतर देख सकते हैं आप, मैट्रिसेस चैप्टर में रेक्टेंगुलर शेप का, बिग ब्रैकेट शेप का, इंटरवल्स क्लोज्ड इंटरवल शेप का होता है, वाइल डिटर्मिनेंट मॉडुलर शेप का होता है। अगर मैं सेकेंड पॉइंट बताऊं तो ये क्या है, मैट्रिसेस इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ये नंबर्स का अरेंजमेंट है। इट डजंट गिव एनी वैल्यू, ये कभी कोई वैल्यू नहीं देता है, ये कभी भी, एक स्पेस ले लेती हूं यहां मैं, अरेंजमेंट, इट डजंट गिव एनी वैल्यू, ये कभी कोई वैल्यू नहीं देता है। जबकि अगर डिटर्मिनेंट की बात कर लें तो सिंबल ये है और इट गिव्स, डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट किया जाता है, इसको इवैल्यूएट नहीं किया जाता है। आप मैट्रिसेस पूरा चैप्टर बनाए, कभी भी उसका आंसर 4, 1, 0 इस टाइप का नहीं था। एक स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट थे 4, 9, 6 कुछ भी। इट गिव्स पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वैल्यू, यानी ये वैल्यू देता है। तीसरा की बात मैं करूं तो इट कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर, मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, जैसे 3x2, 4x4, 2x1, लेकिन डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट इट इज नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वेयर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या होता है,
स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस पर, इस पॉइंट पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट इज पहला ऑप्शन ए मैट्रिक्स, गलत, डिटर्मिनेंट कोई मैट्रिक्स नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी गलत है, बच्चे यही वाला ऑप्शन टिक कर देते हैं, डिटर्मिनेंट कभी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और चौथा और लास्ट पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूं, किसी मैट्रिक्स को अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी मैट्रिक्स को अगर हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा 2a, 2b, 2c एंड 2d, जबकि डिटर्मिनेंट की अगर बात करूं, अगर हम लोग इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मैं करवाऊंगी भी ये वाला पॉइंट, एक बार और पढ़ाऊंगी और क्वेश्चन करवाऊंगी, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होना है तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम मल्टीप्लाई होगा, हो सकता है सिर्फ फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो, सेकेंड रो सेम टू सेम रह जाए, हो सकता है सेकेंड रो मल्टीप्लाई हो फर्स्ट सेम टू सेम रह जाए, हो सकता है फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो रो सेम सेकेंड कॉलम सेम रह जाए, और लास्ट चॉइस है कोई एक कॉलम ए और सी मैंने कॉपी कर दिया टू बी टू डी, कोई एक कॉलम मल्टीप्लाई हो जाए। तो लास्ट वाला बहुत बेहतरीन था, किसी मैट्रिक्स में कोई स्केलर से इंटू करते हैं तो हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर के, व्हाइल इन डिटर्मिनेंट एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर के। ये इसी पॉइंट की वजह से मैंने ये पूरा बताया। अब तो आप इंट्रोडक्शन तो सीख गए, होता क्या है मैट्रिक्स, होता क्या है डिटर्मिनेंट, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग चैप्टर डिटर्मिनेंट मेन रूप से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले उन बच्चों के लिए अपना इंट्रोडक्शन दे दूं जो हमारे चैनल पर नए हैं। मैं हूं इंजीनियर आकृति, आपकी मैथ्स टीचर, पटना में आप जैसे बच्चों के लिए ही मैथ्स की कोचिंग पढ़ाती हूं। हमारी एडुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, बीटेक मैंने एनआईटी पटना से किया है, एमटेक मैंने बीआईटी सिंदरी से किया है। ऑल्दो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हूं, लेकिन इंटरेस्ट मेरा शुरू से मैथ्स में रहा है। 2008 से आपकी उम्र के बच्चों को लगातार मैथ्स पढ़ा रही हूं। जब से एनआईटी पटना ज्वाइन किया है, 2008 में एनआईटी पटना ज्वाइन किया, 2012 पास आउट हूं, 2008 से आज 2020 है, पिछले 12 साल से लगातार 11, 12 के बच्चों को मैथ्स पढ़ा रही हूं। आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, यानी आप जैसे बच्चे हर फील्ड में हैं। आपको आईआईटी में चाहिए बच्चे मिल जाएंगे, एनआईटी में चाहिए, स्टेट लेवल इंजीनियरिंग में चाहिए, कोई जरूरी नहीं है इंजीनियरिंग। हमारे बच्चे को मैं इंजीनियर बनना नहीं सिखाती हूं, उन्हें सिर्फ मैथ्स में इंटरेस्ट लाना सिखाती हूं, उन्हें सिखाती हूं कि मैथ्स कैसे पढ़ना है ताकि आपका लक्ष्य पूरा हो सके। अपने बच्चे एनडीए क्वालिफाइड हैं, एनडीए के रिटेन में कुछ होता नहीं है, होटल मैनेजमेंट किए हुए हैं, बीसीए बीबीए किए हुए हैं, बिट्स पिलानी में अपने लड़के हैं, बीआईटी मिश्रा में है, तो आप मर्चेंट नेवी में अपने बच्चे हैं, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में है, तो आप बच्चों का लक्ष्य
चाहे जो आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, हमारे फेसबुक अकाउंट में हर सारे मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, तो आप जा सकते हैं। अब हम लोग, मेरा इंट्रोडक्शन तो खत्म हो गया, अब मैं स्टार्ट करती हूं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। डिटर्मिनेंट फोर्थ चैप्टर पढ़ा रही हूं, क्लास ट्वेल्थ का फोर्थ चैप्टर, पहला रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा ITF, तीसरा मैट्रिसेस। तीन चैप्टर के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद अब फोर्थ चैप्टर। आप बच्चों को सो मच थैंक्स कि आप हमारे साथ साथ लगातार पढ़ रहे हैं। सिर्फ मेरा ही फिनिश नहीं हुआ, आपका भी खत्म हो गया। आप रेगुलर होमवर्क करते हैं, क्लास नोट्स बनाते हैं, इसके लिए थैंक यू। इस डिटर्मिनेंट चैप्टर में टोटल 7 टॉपिक पढ़ने हैं। ये जो 7 टॉपिक पढ़ने हैं, इसमें किस टॉपिक में कितना क्लास कंज्यूम होगा, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पर वक्त ज्यादा लगेगा, तो देखिएगा। ये तो मैं आज के वीडियो में खत्म कर दूंगी। इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट, ये हम लोग आज ही पढ़ लेंगे, आज ही खत्म कर लेंगे। सेकेंड है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यही वो मेन टॉपिक है जिसमें बहुत ज्यादा वक्त लगना है और एग्जाम में पूछा जाना ही जाना है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यही वो टॉपिक है ITI भी पूछती है, जिससे NDA भी पूछती है, CBSE तो हर हाल में फिक्स में पूछती है, CBSE हर हाल में पूछेगी। इससे एक क्वेश्चन 4 मार्क्स और इससे एक क्वेश्चन 6 मार्क्स फिक्स्ड। ये दोनों है, ये दोनों एक ही टॉपिक है, इसी का वर्ड प्रॉब्लम दिया रहता है, तो ये हो गया। इन दोनों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। CBSE 2 क्वेश्चन फिक्स्ड है, NCERT एक्सरसाइज 4.2 एंड NCERT एक्सरसाइज 4.6। बात कर ले स्टेट बोर्ड की, लास्ट ईयर तक ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं, ये 6 नंबर 7 मार्क्स में पूछती थी, अब 5 मार्क्स में पूछती है। स्टेट बोर्ड इस क्वेश्चन को कभी 2 मार्क्स में पूछ लेती है, तो कभी 4 मार्क्स में पूछ लेती है, तो अगर क्वेश्चन टिपिकल रहा तो 5 मार्क्स में भी पूछ लेती है। पता तो चल गया कि पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्या क्या है। पॉइंट नंबर 2, इस पर मैं 2 या 3 लेक्चर दूंगी, आपको कम से कम 10 बार रिवाइज करना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जितना टाइम लगना है इस टॉपिक 2 में ही लगना है। ये बहुत आसान है, कभी भी नहीं पूछा जाता। ये दोनों इसके लिए पढ़ेंगे, ये इन दोनों से 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोनों ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, ये दोनों से बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जब भी पूछे जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। अब मैं स्टार्ट करती हूं अपना पहला टॉपिक, इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। समझिएगा, इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इवैल्यूएट करना मतलब कैलकुलेट करना, मींस डिटर्मिन करना। पहला ऑर्डर 2x2, ये बात तो आप सीख ही चुके हैं कि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का कैलकुलेट होता है, तो हमारे सिलेबस में 2 ही पढ़ना है स्क्वायर मैट्रिक्स, एक 2x2 और दूसरा 3x3। 2x2 मैं आपको थोड़ा सा पहले भी आइडिया दे चुकी हूं, ABCD यही है डिटर्मिनेंट, आपको इसे इवैल्यूएट करना है। कैसे करेंगे याद दिला देती हूं, पहले डायगोनल एलिमेंट को लिख लेंगे A × D, ध्यान रहे बीच में माइनस देंगे, इंटू इन दोनों को कर लेंगे B × C, बीच में माइनस रहे, ध्यान रहे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस फिर इन दोनों का प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन देखिएगा, हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ
कॉस 15 साइन 15 साइन 75 यानी 75 डिग्री कॉस 75 डिग्री। इस क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो कभी कभी बच्चों को लगता है कि मैम कॉस 15 की वैल्यू तो मालूम ही नहीं है, साइन 75 की वैल्यू तो मालूम ही नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, हमें वैल्यू को मालूम करने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ कैलकुलेट कर लेना है पहले इन दोनों का प्रोडक्ट डेल्टा, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, दिस इंटू दिस, कॉस 15 इंटू कॉस 75 माइनस दिस इंटू दिस, साइन 15 इंटू साइन 75। ये क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी, ये आ गया कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हम लोग देखेंगे कि बी ऑप्शन करेक्ट है। तीन क्वेश्चन मैंने लिए हैं 2x2 के इवैल्यूएशन के लिए। सबसे यहां दो डेटा दिया हुआ है, सबसे पहले इसको गौर से देखती हूं। 2 3 y x equals to 4 मींस पहले इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 4, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद हम लोग करेंगे एक्स वाई 2 1 equals to 7 by 2। मैं क्या करूंगी, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 7 by 2। इसे अगर सिंप्लीफाई कर लूं 2x minus 4y equals to 2। 7 इक्वेशन 2। क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई तभी निकलेगा जब मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगी। इक्वेशन 1 minus 2 करने से 2x minus 3y equals to 4, 2x minus 4y equals to 7, माइनस प्लस माइनस, माइनस 3y plus 4y आ गया वाई, वाई की वैल्यू हो गई -3। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मैंने तीन ही ऑप्शन लिया, तो ए तो खत्म हो गया क्योंकि वाई आना था -3, वाई मालूम हो गया, अब हमें चाहिए एक्स। इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में डाल देते हैं, मैं 2 में ही डाल देती हूं, फ्रॉम 2, 2 into x -4, वाई की वैल्यू -3, 2x की वैल्यू 7, ये +12 है हो गया -12, x की वैल्यू -5/2, x -5/2 और y -3, x -5/2 y -3, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन है जो आपको तुरंत कमेंट करना है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो को पॉज करिए और सबसे पहले कमेंट करिए होमवर्क 1- आप अपना ऑप्शन लिखिए ए बी सी एंड डी। जिन भी बच्चों का कमेंट आता है मैं तुरंत रेस्पॉन्ड करती हूं कि सही या गलत। तो आप भी तो देख लीजिए कि आपने सीखा या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, देखते जाइएगा। पहला ऑप्शन है डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या डिटर्मिनेंट एक
ऑप्शन ए, हमें ऑप्शन से ही चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बिल्कुल गलत है। डिटर्मिनेंट कभी भी मैट्रिक्स नहीं हो सकता, डिटर्मिनेंट कैन नेवर बी मैट्रिक्स, इसलिए ये गलत हो गया। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसने कहा कि किसी भी मैट्रिक्स से जो नंबर एसोसिएटेड होगा वो डिटर्मिनेंट होगा। क्या इस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड कोई नंबर को, ये मैट्रिक्स है इससे एसोसिएटेड ये नंबर और ये नंबर को डिटर्मिनेंट कह सकते हैं? नो, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसलिए बी ऑप्शन गलत हो गया। शिफ्टिंग टू ऑप्शन सी, अब हम लोग ऑप्शन सी पर चल रहे हैं। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स, यस दिस आंसर, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और जो तीनों नहीं होता तो नन हो जाता। अब हम लोग पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3x3। 3x3, तीन रो तीन कॉलम, हमें इसका एक्सपेंशन सिखाना है, इवैल्यूएशन सिखाना है। 2 मिनट बहुत कॉन्सेंट्रेशन से देखिएगा क्योंकि पूरे चैप्टर में इसी का उपयोग होना है। आज पहली बार मैं धीरे धीरे बताऊंगी, फिर तो आप यूज टू हो जाएंगे, आदत पड़ जाएगी कैलकुलेशन की। मैं इसके इवैल्यूएशन से पहले साइन स्कीम बता देती हूं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन स्कीम कहां से आया? क्या रटना होगा या तो नहीं रटना नहीं होगा, लर्न नहीं करना होगा, इसका कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी जिस दिन मैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, अपना थर्ड टॉपिक जो मैं कंटेंट्स बताई थी, टॉपिक्स कवर्ड में लिखवाई थी, यहां तीसरा टॉपिक था माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स में इसके कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। अब मैं एक्सपेंशन करती हूं इसका, मैं फर्स्ट रो के अलोंग करती हूं, आप चाहें तो किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में शुरुआत में R1 के अलोंग ही करूंगी, बाद में तो हम लोग किसी भी रो और कॉलम से आपको एक्सपर्ट बना दूंगी। पहले पहला रो लिखना है तो A, पहले रो में ये एलिमेंट, इसको इसके साइन के साथ पिक करना है, प्लस A माइनस B प्लस C। अब इस डिटर्मिनेंट में क्या होगा, A का लिखना है, A से रिलेटेड रो एंड कॉलम ढक लिया जाए, जो 4 एलिमेंट नजर आ रहा है उसे मैं लिख लेती हूं। E F H, B के लिए B से रिलेटेड रो एंड कॉलम को मैंने कवर कर दिया, ये दोनों और ये दोनों हमें लिखना है, डी एफ जी आई, सी से रिलेटेड रो एंड कॉलम को मैंने कवर अप कर लिया, डी ई जी और एच, डी ई जी और एच बचा। अब इसका एक्सपेंशन कैसे होगा तो सीखे हुए आप, पहले डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, पहले डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट एफ इंटू जी सी इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब जब मैं क्वेश्चन में सिखाऊंगी तो ये वाला स्टेप नहीं करूंगी, इसके बाद डायरेक्टली ऐसा लिखूंगी,
और आपको भी एक्सपीरियंस्ड होना है ऐसे ही। देखिएगा, मैं इसका एक्सपेंशन करने जा रही हूं। डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना मतलब इसे एक्सपेंड करना। आर वन के अलॉन्ग करूंगी, इस वन को इसके साइन के साथ ले लिया, इस टू को माइनस साइन के साथ, अगर माइनस होता तो प्लस लेती, प्लस है तो माइनस, जो भी यहां रहेगा उसमें माइनस साइन से इंटू करूंगी, प्लस फोर इंटू दिस वन। अब वन इंटू करना है तो वन से रिलेटेड रो को ढक लेंगे तो बचा क्या, 9 3 जा 27 माइनस 6 4 जा 24। टू मिडल वाले का साइन चेंज, टू से रिलेटेड रो एंड कॉलम ढक दिया, बचा क्या, 1 into 9 माइनस 1 into 6। एंड लास्ट 4 से रिलेटेड रो एंड कॉलम कवर अप कर लिया, 4 into 1 माइनस 3 into 1। 27 माइनस 24 3 हो गया, 9 माइनस 6 3, 4 माइनस 3 1 आ गया, 3 प्लस 4 7 माइनस 6 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आप देख लीजिए, यहां ऑप्शन ए करेक्ट हो चुका। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्स्ड विथ डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन है हमारा, ओमेगा इज नॉन रियल रूट ऑफ दिस वन, इसी को तो बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा, यहां ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसके बारे में दो रिजल्ट हमें पता होना चाहिए। क्या क्या? पहला, ओमेगा क्यूब वन होता है, और दूसरा, वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो। इन दोनों रिजल्ट को यूज करते हुए इस डिटर्मिनेंट को हमें इवेलुएट करना है। तो मैं एक्सपेंड करने जा रही हूं इस डिटर्मिनेंट को, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। बाद में जब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन और सिंपल वे में बनेगा। अभी मैं एक्सपेंशन से सिखाती हूं। इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, वन इंटू मिड वाले का साइन चेंज, बाद वाले को मैंने डायरेक्टली लिख लिया। अब यहां वन इंटू है तो वन से रिलेटेड रो एंड कॉलम को ढक दिया, जो चार एलिमेंट दिख रहा है इसे कैलकुलेट करूंगी, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब माइनस ओमेगा के लिए ये रो और ये कॉलम कवर अप कर दिया, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वन। एंड द लास्ट वन, ओमेगा स्क्वायर से रिलेटेड रो एंड कॉलम, ओमेगा इंटू वन ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। हमें पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन होती है, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा फोर को मैं लिख सकती हूं ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, एंड ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन हो गई। अब वन माइनस वन जीरो, ओमेगा इंटू जीरो जीरो, ओमेगा माइनस ओमेगा यह भी जीरो, कंप्लीट आंसर जीरो आ चुका। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक बहुत आसान, इक्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेंट। दो डिटर्मिनेंट इक्वल कब होगा? मैट्रिसेस की तरह
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं इक्वल होते हैं। दो डिटर्मिनेंट तब इक्वल होगा जब उनकी वैल्यू ऑन एक्सपेंशन सेम होगी। आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं 3x = 8, x = 8/3, ऑप्शन डी नहीं टिक कर सकते हैं। -2 के जगह -2 नहीं है। इक्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेंट में आप पहले इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्सपेंशन के बाद इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों की वैल्यू इक्वेट कर दिए। अगर वो वैल्यू इक्वल है तभी डिटर्मिनेंट इक्वल है। यहां क्वेश्चन में लिखा है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन इक्वल टू दिस वन, इट मींस इन दोनों की वैल्यू सेम है। फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेंट, मैं इक्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट की बात करती हूं। पहले इसका वैल्यू 3x * 4 माइनस दिस इंटू दिस इज इक्वल टू इन दोनों की वैल्यू 8 * 4 = 32 माइनस 7 * 6 = 42। 12x + 14 इक्वल्स टू -10। 12x = -24 सॉल्व कर लें अगर तो x की वैल्यू आ गई -2। आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। -2 बी ऑप्शन में है इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिमिलरली इस क्वेश्चन को केयरफुली आंसर करिएगा। यह क्वेश्चन स्टेट बोर्ड 2 बार पूछी है ऑब्जेक्टिव में, तो आपको बताना है इसका आंसर तुरंत, क्विक रिप्लाई करना है। होमवर्क 2 - और आपकी चॉइस A, B, C, and D। प्यारे बच्चे आज मैं छोटा वीडियो अपलोड कर रही हूं क्योंकि आज स्टार्टिंग है इसका, पहला टॉपिक हमारा हो गया। अब आप क्या करेंगे, पहला टॉपिक में डिटर्मिनेंट की इवैल्यूएशन जितना चाहे आप कर सकते हैं। ऑल्दो मैं तो वीडियो को यानी लेक्चर को फिनिश कर चुकी थी, अब मुझे सिर्फ होमवर्क लिखना बचा था, लेकिन बुकलेट में होमवर्क देने के क्रम में मुझे 2 क्वेश्चन ऐसे दिख गए जो एक सिंगल स्टार और एक क्वेश्चन डबल स्टार मार्क्ड है। जब आप होमवर्क करेंगे तो परेशानी आ सकती है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि वो दोनों क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी जिनमें एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन है अगर मैट्रिक्स ए ऐसा है जहां थीटा की वैल्यू 0 से 2π मतलब एक क्वाड्रेंट, एक साइकिल पूरा चारों क्वाड्रेंट, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा या इस सेट को बिलोंग करेगा, इस सेट को बिलोंग करेगा या इस सेट को बिलोंग करेगा। तो ये तो तब पता चलेगा जब मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगी। मैं डिटर्मिनेंट निकाल कर दिखाती हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 - sin θ - 1, sin θ 1 - sin θ 1, sin θ 1। जब मैं एक्सपेंशन करूंगी 1 * जब मैं एक्सपेंशन करूंगी इस रो को ऐसा कर दिया, ढक दिया, 1 * 1 माइनस -sin²θ, मिडल वाले का साइन चेंज, कॉलम को ढक दिया, this into this - this into this +sin θ एंड द लास्ट वन +1 into इसे मैंने कवर अप कर दिया, sin²θ + 1।
अब ये तो जीरो हो गया, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड वन प्लस, यहां तक तो मैं नहीं भी करवाती तो आप बच्चे कर लेते, इसके बाद इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं इसके बाद क्या होगा। क्या आप जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन से वन होती है, लेकिन जैसे ही हम स्क्वायर, यहां कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिकी सिखाने वाली हूं, जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूंगी, माइनस वन का स्क्वायर और वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर वन लिख दूंगी जो कि गलत है। किसी भी होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो होती है। बच्चों को यहां फिर कंफ्यूजन होता है कि मैम आपने तीनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो यहां वन होगा ना। डियर स्टूडेंट, मैंने तीनों तरफ स्क्वायरिंग नहीं किया, इन दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया है एंड एक रिजल्ट है, कोई भी होल स्क्वायर हमेशा जीरो से बड़ा होता है। अब यहां देखना है, लाना है, ये है साइन स्क्वायर थीटा, पहले वन ऐड करूंगी बाद में टू से इनटू करूंगी। मैंने वन को ऐड कर दिया तीनों तरफ, वन को ऐड कर दिया, अब टू से इनटू कर दूंगी तीनों तरफ, वन प्लस वन, यही तो है मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही तो आ गया, ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसकी वैल्यू टू से लेकर फोर होगी। आंसर आ चुका है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू टू से लेकर फोर, क्योंकि इक्वल साइन है इसलिए क्लोज्ड इंटरवल, यहां भी इक्वल साइन है इसलिए क्लोज्ड इंटरवल, अगर ये इक्वल नहीं होता तो दोनों जगह ओपन इंटरवल होता एंड सी ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन यहां क्योंकि इक्वालिटी साइन है मींस क्लोज्ड ब्रैकेट है इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आखिरी क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क एनडीए में भी पूछ चुका है और स्टेट बोर्ड भी पूछ चुकी है। कह रहा है कि 7 एंड 2 आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो। सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके एक इक्वेशन निकालना होगा। कैसा इक्वेशन निकालना होगा? एक्स टू सेवन थ्री एक्स सिक्स सेवन टू एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, मैं एक्सपेंड कर लेती हूं, एक्स इंटू मिडल वाले का साइन चेंज प्लस सेवन इंटू एक्स के लिए ये रो ये कॉलम, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व, थ्री के लिए 2x माइनस 14, सेवन के लिए 6 × 12 माइनस 7x, सिंप्लीफाई करना है, एक्स क्यूब माइनस 12x, 6x, 14 × 3 = 42, 84 माइनस 49x, एक्स क्यूब 12 प्लस 6 18, 9 27 40 67 126। अब इस क्यूबिक इक्वेशन के अगर तीन रूट्स हैं तो एक रूट पता है, एक दूसरा रूट्स भी पता है और ये तीसरा रूट पूछा जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के तीन तरीके, सबसे पहला और आसान तरीका ऑप्शन, माइनस नाइन एक्स के जगह पुट कर दो, अगर जीरो आ गया तो ऑप्शन ए करेक्ट।
अगर ये नहीं आया तो x के जगह 14 पुट कर दो यहां और यहां। LHS को सॉल्व करने से अगर 0 आ जाता है तो यही करेक्ट होगा, अदरवाइज ये पुट करेंगे। अगर तीनों में कोई सेटिस्फाई नहीं किया तो डी ऑप्शन। लेकिन ये तो तब ना जब ऑब्जेक्टिव है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मान लेते हैं अगर ये सब्जेक्टिव में है तो क्यूबिक इक्वेशन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बताती हूं। मान लेते हैं एक क्यूबिक इक्वेशन ax³ bx² cx + d = 0। मान लेते हैं कि यही है वो क्यूबिक इक्वेशन, इसके तीन रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा मींस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a एंड द लास्ट वन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -d/a। ध्यान रहे स्मॉल a कोफिशियंट ऑफ x³, स्मॉल b कोफिशियंट ऑफ x² स्मॉल c कोफिशियंट ऑफ x एंड d कांस्टेंट टर्म। ये रिजल्ट है जो हर क्यूबिक इक्वेशन में वैलिड है। तो यहां भी हम लोग देख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हियर सम ऑफ रूट्स -b/a, अल्फा है 7, बीटा है 2, गामा पूछा है -b मींस कोफिशिएंट ऑफ x², क्या इस क्यूबिक इक्वेशन में कहीं x² दिख रहा है? नहीं, x² का कोफिशिएंट 0 है, a कोफिशिएंट ऑफ x³ 1। तो 9 + γ 0 आ चुका, इट मींस गामा की वैल्यू -9 आ गई। कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे? ऑप्शन ए। एक तीसरा मेथड था कि हम ये इसकी वैल्यू यूज कर लेते। आज का लेक्चर तो आपने पढ़ लिया, लास्ट का 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। मान लीजिए कि वो बोनस हो गया, अगर मैं होमवर्क देखती नहीं, वो आपको खुद ट्राई करना होता और डाउट होता तो आप ग्रुप में पूछ लेते। अब आज के होमवर्क का टर्न आ गया। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो 4.1 विथ सॉल्व एग्जांपल 15 मिनट लगेंगे आपको सिर्फ बनाने में। आप ये बनाइए या ये बनाइए, बात बराबर है। मेरा सजेशन मानिए तो अगर आप बुकलेट बनाते हैं तो एनसीईआरटी छोड़ दीजिए। अगर आप बुकलेट बना रहे हैं, आपके पास बुकलेट अवेलेबल है, तो एनसीईआरटी आप स्किप कर सकते हैं। आरएस अग्रवाल, मेरे अनुसार तो बनाना ही नहीं चाहिए, क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करना, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है आपसे बन जाएगा डैम श्योर। तो ये उनके लिए है जो ये पूरा बना लेते हैं और टाइम उनके पास बच जाता है तो वो बना सकते हैं, अदरवाइज वो बच्चे इसे स्किप कर सकते हैं। इसकी बात कर लेती हूं। ये एनसीईआरटी है, पेज नंबर 5 पूरा बुकलेट का क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, 49 इंपॉर्टेंट है, 2 बार बनाइएगा, एक बार देखकर और एक बार बिना देखे, 72 आवर्स में एक बार और रिपीट करिएगा। पेज 13 प्रीवियस ईयर सीबीएसई क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन क्योंकि 1 मार्क्स का है, बहुत आसान सा टॉपिक आज मैंने करवाया। पेज 17 स्टेट बोर्ड प्रीवियस ईयर्स बिहार बोर्ड क्वेश्चन लिस्ट है, 25-30 क्वेश्चन सिर्फ आज के टॉपिक से बनने हैं और तब एनडीए लेवल 1-6। आज वाला लेक्चर तो बहुत आसान था, लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट डे से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, उसमें लंबा टाइम लगेगा, लेक्चर की लेंथ भी ज्यादा होगी एंड उस टॉपिक पर नंबर ऑफ लेक्चर्स भी
ज्यादा होंगे, तो इसके लिए माइंड पहले से प्रिपेयर रखिएगा। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और मैट्रिसेस का जैसे खत्म करते ही मैं टेस्ट शेपिंग फ्यूचर ऐप पर भी ले रही हूं और YouTube पर भी ले रही हूं, तो जो व्यूअर नए हैं वो ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, इसका PDF भी वहां मिल जाएगा। जितने चैप्टर मैंने खत्म किए सबका PDF वहां नोट्स मिल जाएगा। और अगर आप रोज आज के लेक्चर का नोट्स आज ही चाहते हैं तो WhatsApp ग्रुप में आ जाइए, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। WhatsApp ग्रुप में मैं डेली का PDF नोट्स शाम के 4 बजे रोज भेजती हूं। शेपिंग फ्यूचर ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब हम लोग मिलेंगे कल सुबह 11 बजे नई ताजगी के साथ, नए जोश के साथ, नया टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने के लिए। थैंक यू।